वेलकम गाइस टू माय चैनल टेक्निकल टॉक्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई रुकावट के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुंबई का निकल ने एक पीसी लिया था। तो उस पीसी में क्या क्या सेटअप किया, कैसे वो पीसी को बिल्ड किया और कैसे उसमें आप गेमिंग और एडिटिंग करते हैं, वो पीसी कितना स्ट्रॉन्ग है और उसका कितना प्राइस है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में आपको डिटेल्स में आपको सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चीज़ पे हम लोग आएंगे प्रोसेसर उन्होंने यूज़ किया था AMD Ryzen 5 2600X सेकेंड जनरेशन का पिनाकल रिज प्रोसेसर था। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है जैसा कि सब लोग जानते हैं। फिर मदरबोर्ड पे आते है गीगाबाइट टफ X470+ गेमिंग मदरबोर्ड। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेमिंग मदरबोर्ड है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गीगाबाइट की तरफ से काफ़ी अच्छा गेमिंग सेटअप आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आते हैं। ग्राफिक्स कार्ड जिसमें यूज़ हुआ है ASUS ROG Strix RX Vega 5 6 8 GB का है। ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है पर काफ़ी कॉस्टली भी है। तो चलिए हम लोग बाकी की चीज़ों में आते हैं। रैम जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का प्रीडेटर 16 GB DDR4 रैम इसमें यूज़ की गई है, काफ़ी अच्छी रैम है ये। फिर आते हैं हम लोग SSD किंगस्टोन का यूज़ किया गया है, 8000 SSD है, 240 GB का है, काफ़ी अच्छा ये है। पूरा डिटेल्स आपको मिल जा रहा होगा। अब आते हैं हार्ड डिस्क पे वेस्टर्न डिजिटल हार्ड डिस्क जो 1 TB का है, काफ़ी अच्छा हार्ड डिस्क यूज़ किया गया है। तो अब हम लोग आ जाएंगे एयर कूलर पे मास्टर एयर MA410M टफ गेमिंग एडिशन वाला यूज़ किया गया है। टफ एडिशन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही कम आता है पर जब आ जाता है तो भाई लक चेंज होता है, ये काफ़ी अच्छा है। तो कूलर मास्टर पे आता है 750W का कूलर मास्टर टफ एडिशन, ये भी वही सेमी मॉड्यूल का टफ एडिशन का ही है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। तो आते हैं हम लोग चेजेस पे। चेजेस नॉर्मल चेजेस यूज़ किया गया है इधर, चेजेस मोबाइल काफ़ी नॉर्मल है। मास्टर बॉक्स MB500 TUF एडिशन वाला चेजेस यूज़ किया गया। अच्छा चलिए मॉनिटर पे आ जाए, तो मॉनिटर यूज़ किया गया है इधर ASUS PB28704 के 28 इंच का ये एक मॉनिटर है, काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन देता है। तो चलिए कीबोर्ड पे आ जाते हैं। कीबोर्ड है ASUS Strike Tactic Pro, तो ये भी काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, काफ़ी कॉस्टली भी है और काफ़ी यूजेबल और रिलायबल भी है। तो चलिए माउस पे आ जाते हैं। माउस है ASUS Strike Claw, काफ़ी अच्छा माउस है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी फंक्शंस है इस माउस के, काफ़ी बटन्स है, तो इससे का सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छा है। तो आ जाते हैं हम लोग माउस पैड के। माउस पैड क्या है, ASUS Strike Glide Control, काफ़ी अच्छा माउस पैड है, दूसरे माउस पैड से कम बहुत गुना अलग है। तो चलिए इस टोटल प्राइस के बारे में बात कर लें। टोटल प्राइस इसका होता है 280,000। तो टोटल प्राइस मिला के 280,000 हो जाता, तो 280,000 का पीसी है मुंबई का निकल के पास। तो कमेंट में बताइए अगर आपके पास इतने पैसे हो तो क्या आप पीसी बिल्ड करेंगे या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना सही आपका रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।